पाठ 14 है संधि। संधि संधि शब्द का साधारण अर्थ है मिलन या मिलना अथवा मेल मिलाप। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्णों के पारस्परिक मेल से नवीन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे विद्या जमालय विद्यालय, इति जमादि इत्यादि, गण जमाइश गणेश। दो निकट स्थ ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के पांच मुख्य भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा आयादि संधि। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और समझिए। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, प्रति जमा एक प्रत्येक, औषध जमाल्य औषधाल्य, यदि जमापि यद्यपि। इन उदाहरणों में दो स्वरों के मेल से संधि हुई है और परिवर्तन भी हुआ है, अतः यह स्वर संधि है। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के आगे क्रमश आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमश आ ई ऊ बन जाते हैं। संधि की इसी प्रक्रिया को दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे आ जमा आ सत्य जमा अर्थी सत्यार्थी। गुण संधि, जब किसी आ आ के मेल ई ई ऊ ऊ से हो तो ए, ऊ या ऊ से हो तो ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। इसी परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं, जैसे आ जमा ई ए, स्व जमा इच्छा स्वेच्छा। गुण संधि के नियमों को तीन रूपों से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि आ आ के आगे ई या ई आ जाए तो दोनों के मेल से ए बनता है, यदि आ आ के आगे ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों के मेल से ओ बनता है, यदि आ आ के आगे री आ जाए तो दोनों के मेल से अर बन जाता है, जैसे आ जमा ऊ ओ, पर जमा उपकार परोपकार। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, वृद्धि संधि, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद ओ या ओ हो तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं, जैसे अ जमा ए ए, एक जमा एक एक एक। यण संधि, यदि पहले शब्द के अंत में र ई ऊ ऊ या री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमश य व तथा रा हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं, जैसे ई जमा अ या यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमांत अत्यंत। आयादि संधि, इस संधि में यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का अ हो जाता है, यदि ए के बाद असमान स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, यदि आ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है, यदि ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का आव हो जाता है। ये विकार आयादि संधि कहलाते हैं, जैसे ए जमा अय, ने जमा अन नयन। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे निम्नलिखित को पढ़िए और समझिए। दिक जमा गज तिकज, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, वी जमा छेद विच्छेद, उत जमा मत उन्मत, अभी जमा सेक अभिषेक। इन उदाहरणों में व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से अथवा स्वर के मेल से संधि हुई और विकार भी उत्पन्न हुआ है, यह व्यंजन संधि है। वर्ण का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यदि क च त त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र व ह में से कोई व्यंजन या कोई स्वर आए तो का ग च का ज ट का द और पा का प हो जाता है, जैसे क जमा अ ग, दिक जमा अंबर दिगंबर।
का जमा द ग, वाक जमा दान वागदान। जब ता हलंत के बाद च अथवा छ हो तो ता का च हो जाता है, जैसे ता जमा च, च हलंत, उत जमा चारण उच्चारण। जब ता हलंत के पश्चात ज अथवा झ हो तो ता हलंत का ज हलंत हो जाता है, जैसे ता हलंत जमा ज, ज हलंत, सत जमा जन सज्जन। जब ता हलंत के पश्चात ता अथवा ठ हो तो ता हलंत का ता हो जाता है, जैसे ता हलंत जमा ट, ता हलंत, तत जमा टी का टटिका। जब ता हलंत के पश्चात ठ अथवा ढ हो तो ता हलंत का ड हो जाता है, जैसे ता हलंत जमा ड, ड हलंत, उत जमा डयन उड्डयन। जब ता हलंत के पश्चात ल हो तो ता हलंत का ला हलंत हो जाता है, जैसे ता हलंत जमा ल, ला हलंत, उत जमा लेख उल्लेख। जब ता हलंत के बाद श हो तो ता हलंत को च और श का छ हो जाता है, जैसे ता हलंत जमा श, छ, उत जमा शीष्ट उच्छिष्ट। जब ता हलंत के बाद ह हो तो ता हलंत का द हलंत और ह का ध हलंत हो जाता है, जैसे ता हलंत जमा ह, दद, उत जमा हार उद्धार। यदि मा हलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मा हलंत का उसी वर्ग का पांचवां वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। आजकल अशुद्धि से बचने के लिए पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का ही प्रचलन है, जैसे म हलंत जमा क, ड हलंत, सम जमा कल, संकल। जब म हलंत के बाद अंतस्थ है या उष्म व्यंजन या र, ल, व, श, श्र, स अथवा है आए तो म हलंत का सदा अनुस्वार हो जाता है, जैसे म हलंत जमा य, सम जमा यम, संयम। जब री, र, श्र के बाद ना हो तो ना के बाद ण हो जाता है, जैसे री जमा न, ण, री जमा न, ऋण। जब किसी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ हो जाता है, जैसे अ जमा छ, अच, अच्छा। जब पूर्व आ, आ के अलावा कोई स्वर हो तो सा का श्र हो जाता है, जैसे ई जमा स, श्र, वी जमा सम, विषम। हर्ष स्वर के बाद आने वाले र से परे यदि र हो तो हर्ष स्वर का दीर्घ होकर पहले र का लोप हो जाता है, जैसे निर जमा रव, नीरव। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम और उदाहरण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अधः जमा गति, अधोगति। इन उदाहरणों में विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग से पूर्व और बाद में दोनों और अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे मनह जमा अनुकूल, मनोनुकूल। जब विसर्ग से पूर्व अ और बाद में किसी भी विसर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तथा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे अधः जमा गति, अधोगति। जब विसर्ग से पूर्व अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर और बाद में कोई स्वर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है, जैसे दुह जमा उपयोग, दुरुपयोग। जब विसर्ग के बाद छ, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे नीह जमा छल, निश्छल। जब विसर्ग के पूर्व ई अथवा ऊ रहने पर और उनके आगे क, ख, प, प आने पर विसर्ग का श्र हो जाता है, जैसे निह जमा कपट, निष्कपट। जब विसर्ग के बाद श, स हो तो विकल्प से विसर्ग का भी क्रमश श, ब, स हो जाता है, जैसे दुह जमा शासन, दुशासन। यदि विसर्ग के आगे र हो तो उसका लोप हो जाता है और र के पूर्व का हर्ष स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे
निह जमा रोगी निरोगी। यदि विसर्ग से पूर्व आ और बाद में आ आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा फिर उन अक्षरों में स्वर संधि नहीं होती, जैसे अतः जमा एव,